हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कार साउंड 24। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मारुति सुजुकी की न्यू बलिनो के लिए ये एंड्रॉयड प्लेयर, जो कि आप देख पा रहे हैं 9 इंच का एंड्रॉयड प्लेयर विद फिटमेंट, यानी कि फ्रेम के साथ, सारी वायरिंग कपलर के साथ। तो लास्ट तक मेरे इस वीडियो के साथ बने रहें, आज मैं आपको फुल डेमो देने वाला हूँ। तो जो आप देख रहे हैं ये एक एंड्रॉयड प्लेयर है, 9 इंच का एंड्रॉयड प्लेयर विद फ्रेम के साथ। ये जो आउटर फ्रेम देख रहे हैं ये एक फ्रेम है जो न्यू बलिनो के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है। 9 इंच की आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये 9 इंच का स्क्रीन है एंड्रॉयड प्लेयर विद TS7 प्रोसेसर के साथ। तो इसमें क्या क्या मेन इंटरफेस पे ये आपको स्पीडोमीटर भी मिलेगा एंड आपका ये टाइमिंग के लिए वॉच भी इसमें आपको मिलेगा। अंदर देखते हैं, सेटिंग, थीम्स एंड ऑक्स, ब्लूटूथ, यानी कि ब्लूटूथ, FM, USB, ऑक्स, रियर व्यू कैमरा सपोर्ट करेगा, मिरर लिंकिंग होगी, 2.5D गोरिल्ला ग्लास, इक्वलाइज़र इसमें आपको दिए हुए हैं, 12 इक्वलाइज़र इसके साथ आपको मिलने वाले हैं, जिससे कि साउंड क्वालिटी आपकी काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है, जैसे जैज, पॉप, क्लासिकल, रॉक्स, ये सारे इसमें आपको इक्वलाइज़र मिल जाएंगे। क्रोम भी इसके मेन इंटरफेस पे ही है, क्रोम से आप, गूगल क्रोम भी इसमें दिया हुआ है, तो आपको अदर से इसमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्रोम यहाँ से आप कर सकते हैं। प्ले स्टोर का भी ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से आप अपना कोई भी ऐप वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये न्यू प्लेयर है, सबसे पहले आपको लगाने के बाद आपको मेल आईडी कन्फर्म करनी पड़ेगी और आपका ये गूगल प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, आपका स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल सपोर्ट भी दिया हुआ है। अगर आपकी कार में स्टीयरिंग व्हील यानी कि स्टीयरिंग के ऊपर आपके बटन होंगे तो ये सारे बटन आपके ऑटोमेटिकली प्लेयर से सिंक्राइज हो जाएंगे और बेल काम करने लगेंगे, आपके अच्छे से काम करने लगेंगे। यूट्यूब का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, यानी कि यूट्यूब डायरेक्टली आप लॉगिन करके इसमें चला सकते हैं, यूट्यूब का भी ऑप्शन इसमें दिया है। तो मेल आईडी कॉन्फ़िगर नहीं है तो अभी नहीं चलेगा, जैसे ही आप नेट से कनेक्ट करेंगे, मेल आईडी कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी कार में तो यूट्यूब चल जाएगा, अपडेट के लिए बोल रहा है ये। एंड मैं आपको बता दूं हाउ टू कनेक्ट द इंटरनेट इन दिस प्लेयर, ओके। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। वाईफाई का ऑप्शन ये दिया हुआ है, ब्लूटूथ, इक्वलाइज़र, स्क्रीन सेवर, सेटिंग्स एंड सारे जितने भी इसमें दिया हुआ है सब में आप यहाँ से इंटर कर पाएंगे। रीसेट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, यहाँ से आप ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा भी, या आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ब्राइटनेस का ऑप्शन इसमें ये दिया हुआ है। देन वीडियो से हम एक देख लेते हैं क्या क्वालिटी आपको मिलने वाली है। क्वालिटी IPS विद IPS डिस्प्ले है तो क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन आपको मिलेगी। 9 इंच की विद IPS डिस्प्ले के साथ HD वीडियो क्वालिटी आपको मिलेगी, तो क्वालिटी का तो कोई जवाब ही नहीं है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी आपको मिलेगी। देन अब मैं आपको बताऊँगा लास्ट में, मिरर लिंक का ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है, आपको मैंने बताया मिरर लिंकिंग यानी फ़ोन लिंकिंग, मिरर लिंकिंग एंड्रॉयड एंड आईफोन दोनों से ही आप मिरर लिंकिंग कर पाएंगे, USB केबल एंड वाईफाई के थ्रू दोनों से ही मिरर लिंकिंग हो पाएगी, इसमें ऑप्शन दिया है आईफोन एंड एंड्रॉयड का, तो ये भी ऑप्शन होगा। देन प्लेयर के साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है ये मैं आपको बता दूँ एक बार। प्लेयर के साथ ये सारी वायरिंग यानी कि RCA केबल, जिससे कि आप वूफर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट इससे, जिससे कि आप कनेक्ट कर पाएंगे, आउटपुट, वीडियो इनपुट, ये सारी आपको RCA केबल इसमें मिलेगी। 2 USB केबल मिलेगी, 1 USB केबल आपको USB से कनेक्ट करने के लिए डायरेक्टली USB कनेक्ट कर सकते हैं, सेकंड USB से आप इंटरनेट डॉगल वगैरह चला सकते हैं। GPS एंटीना भी आपको दिया हुआ है, यानी कि आप GPS एंटीना से आप GPS नेविगेशन मैप चला पाएंगे, ये सारे ऑप्शन ये आपको मिलने वाला है प्लेयर के साथ में। मेन कपलर वायर, जिसके बगैर प्लेयर को आप स्टार्ट नहीं कर सकते, ये मेन कपलर आपका एक साइड में ये प्लेयर में लगेगा, सेकंड साइड में ये बलिनो कार में जो फीमेल कपलर आएगा उसमें ये मेल कपलर लगेगा, यानी कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कोई भी वायर कट नहीं होगा, ओके। तो 9 इंच और 10 इंच लगाने का, प्लेयर लगाने का मेन मोटो ये होता है कि कोई भी वायरिंग कट नहीं होती है, जिससे कि आप जो कार की वारंटी है उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बेहतरीन प्लेयर है, क्वालिटी मैंने आपको बताई दी है, 12 इक्वलाइज़र के साथ मिल रहा है, यानी कि क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाली है। TS7 आप स्क्रीन के साथ अपनी गाड़ी में अगर लगाना चाहते हैं तो बेहतर ऑप्शन है। मार्केट में बहुत सारी स्क्रीन है, 9216CJ T5 स्क्रीन, काफ़ी लोगों ने पूछा है क्यों, विच वन इज़ बेटर, देन
दिस वन डिपेंड ऑन योर बजट. ओके सो TS7 एट प्रेजेंट, TS7 इज ए लेटेस्ट वर्जन फॉर एंड्रॉयड, तो आप अपनी गाड़ी में TS7 लगा सकते हैं. एक बार फिर से मैं आपको इसमें इसकी क्वालिटी दिखा दूँ, क्वालिटी के बाद आप जज कर पाएंगे तो किस टाइप का आपको ये प्लेयर लगा. यानी कि अगर आप पीछे होम पे जाएंगे तो इसकी स्मॉल स्क्रीन पे भी ये यहाँ पे चलता रहेगा. ये देखिए, अब इसको अगर आप बड़ा करना चाहें तो यहाँ से ऑप्शन भी है बिग साइज करने का. जितना आप इसको प्लस माइनस करते जाएंगे, ये प्लस भी हो सकता है, देखिए ये. अब इस स्क्रीन को आप माइनस भी कर सकते हैं ये, तो बेहतर. इसमें काफ़ी अच्छा फंक्शन ये दिया हुआ है, और यहाँ से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं और मेन इंटरफेस पे आ जाएंगे. तो फ्रेंड्स, ये मेरे वीडियो कैसा लगा? सारी वायरिंग एक बार बैक साइड का भी मैं आपको दिखा दूँ किस टाइप का ये बैक साइड से सारे कनेक्शन जो भी है, मैंने आपको वायर वगैरह दिखाए हैं, कपलर वगैरह, ये बैक साइड से कनेक्शन होंगे इसके. मेन कपलर वायर यहाँ लगेगा, GPS एंटीना यहाँ लगेगा, एंड अदर RCA केबल एंड USB केबल यहाँ से आपको कनेक्शन करना होगा. तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, शेयर करें. थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माई वीडियो.